हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओबी। में आज के लेक्चर में, आज की स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, एक कोई लीडर अगर कोई एज अ लीडर रोल प्ले कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ मस्ट हैं जो उसको इम्पॉर्टेंट और हेल्प करेंगी टू प्रोसीड अ बेटर लीडरशिप स्टाइल। सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। सो हेयर सम इम्पॉर्टेंस गिवन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ लिखे हुए हैं। क्या इंपॉर्टेंस है लीडरशिप का? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर प्रॉपर लीडरशिप प्रोसीड हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, शेप हो जाएगा। ठीक है, बेटर तरीके से आपने क्या करा, आपने जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको अलग अलग डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया उनका। ठीक है, जो अलग अलग पोजीशंस हैं उन पे प्लेस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेटर स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही बताया गया है कि भी अगर कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लीडरशिप है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी परफेक्ट होगा। ठीक है, हु नो, हमें सबको पता है अपने बारे में कि उसको किसको रिपोर्ट करना है। देयर इज़ अ प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस आल्सो, सो दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड जो इम्पॉर्टेंस है वो है प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। जितना ज़्यादा आप स्पिरिट, टीम स्पिरिट की बात करें, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टीम स्पिरिट होगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, और इन सब के लिए यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योर फॉलोवर्स। लीडर मस्ट बी कम्युनिकेट विद देयर फॉलोवर्स सो इजली दे कैन इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड सपोर्ट टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंस बताया है लीडरशिप का वो यही बताया है, लीडरशिप प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप अपने वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करके चलिए, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के चलें। ठीक है, ताकि बेटर तरीके से वो काम करें, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको एक यूनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद उनको एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करिए। तो इससे क्या होगा, इससे बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा और टाइम पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंस है लीडरशिप का वो है डायरेक्टिव ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। आप जितनी भी ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक सिंगल डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं। ठीक है, ना कि अलग अलग डायरेक्शंस में। तो इससे क्या होगा, इससे आपस में उनमें यूनिटी रहेगी। ठीक है, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप की एक्टिविटीज़ को आप डायरेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे वेन एवर दे रिक्वायर्ड और नीड है। ठीक है, अगर फॉलोवर्स को आपकी नीड है, आपके आपकी सजेशन चाहिए, ठीक है, दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड यूर वैल्यूबल सजेशंस, तो ईजली यू कैन मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। थर्ड जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ईजली अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आने वाला है तो एक लीडर ही है जो बेटर तरीके से अपने फॉलोवर को लीड कर सकता है और चेंजेस को एक्सेप्ट करवा सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर लीडरशिप स्टाइल सो ईजली यूर फॉलोवर्स कैन एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस और चेंजेस। ठीक है, चाहे वो कोई टेक्निकल चेंजेस है, इकोनॉमिकल चेंज है या फिर सोशल चेंज है। लीडर मस्ट मोटिवेट, इंस्पायर to their followers so willingly they can accept new challenges or these kind of changes. Next जो importance है leadership का वो है better utilization of manpower. आप बेटर तरीके से अपने मैन पावर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक बेटर लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया हुआ है, जैसे सपोज मैं बात करूँ सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल, तो उसमें क्या है, लीडर इज़ ऑलवेज सपोर्ट टू देयर फॉलोवर्स, वो हमेशा अपने फॉलोवर को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो इससे क्या है, वहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, एवरी टाइम फॉलोवर्स रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लीडर्स, तो आप बेटर तरीके से अपने मैन पावर को यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बेटर और इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है लीडरशिप का वो है अवॉइडिंग इम्बैलेंसेज। जो इम्बैलेंसेज है, डिस्क्रिमिनेशन है, उनको अवॉइड करना किया जाता है लीडरशिप में। ठीक है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लीडर्स क्रिएट विलिंगनेस, एंथुजियास्टिकली वर्कर्स परफॉर्म देयर टास्क, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल्स एंड डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट हेल्प्स डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टू द वर्कर्स टू ईजली दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। ठीक है, आप अपने वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस,
ठीक है, और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर रहे हो जहाँ वो अपने ऑब्जेक्टिव को बेटर तरीके से अचीव कर पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंस मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सो यहाँ पे कुछ टाइप लिखी हुई हैं लीडरशिप की। ग्रेट लीडर्स हैव इमर्ज विद द पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें ये भी बताया गया है कि भाई आप हर सिचुएशन में सेम लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं कर सकते। जब भी आप लीडरशिप स्टाइल की बात करें, टाइप्स की बात करें, सो देर आर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर यू हैव टू फॉलो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। और सभी लीडर्स को, जितने भी लीडर्स होते हैं या फिर मैं फॉलोवर्स की बात करूं, तो आप सारे फॉलोवर्स को सेम स्टाइल से लीड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि आपके जो फॉलोवर्स हैं उनका क्या नेचर है, उनका क्या बिहेवियर है। यू हैव टू परसीव टू देम, पहले सबसे पहले आप उनको परसीव करिए, ये देखिए कि भी आपके जो फॉलोवर्स हैं उनका लेवल क्या है, उसके हिसाब से आप एक बेटर लीडरशिप स्टाइल उनको उनके लीड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, डेलीगेटिव, ट्रांजैक्शनल और ट्रांजैक्शनल, ठीक है। सो लीडरशिप फर्स्ट जो है वो है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। ये स्टाइल क्या है, अलाउ अ लीडर टू इम्पोज एक्सपेक्टेशन एंड डिफाइन आउटकम्स। अ पर्सन शो कैन टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन वेयर अ लीडर इज मोस्ट नॉलेजेबल इन द टीम। ऑल्दो दिस इज एन एफिशियंट स्ट्रेटजी इन टाइम कंस्ट्रेंट पीरियड्स, क्रिएटिविटी विल बी सेक्रीफाइज्ड सिंस इनपुट फ्रॉम द टीम। सो द ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो यूज वैन टीम मेंबर्स नीड क्लियर गाइडेंस, ठीक है। तो सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल यही है। सेकेंड है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल आर रूटेड इन द डेमोक्रेटिक थ्योरी। इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। इसमें क्या है, लीडर हमेशा पार्टिसिपेटिव है अपने फॉलोवर्स के साथ। जो फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल था ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे क्या है, जो लीडर्स कह रहे हैं उनके हिसाब से फॉलोवर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। लीडर्स फॉलोवर्स ऑलवेज ओबे टू देयर लीडर्स, वो हमेशा अपने लीडर्स को ओबे कर रहे हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसा वो फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है फॉलोवर्स की साइड से, ना ही उनकी वैल्यू है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर है वो हमेशा सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, एंड दिस एसेंस टू इन्वॉल्व टीम मेंबर, वो टीम मेंबर को हर चीज़ में इन्वॉल्व करके चल रहा है। उनके सजेशंस वेरी किए जा रहे हैं, उनके सजेशंस को वैल्यू दी जा रही है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है, फर्स्ट उनके साथ डिस्कशन किया जा रहा है, तब कोई जाके प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जा रही है। सो इफ देर आर डिसएग्रीमेंट्स विद इन द ग्रुप, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू रीच अ कंसेंसस, ठीक है। थर्ड है डेलीगेटिव लीडरशिप्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेस फेयर लीडरशिप। अ डेलीगेटेड लीडरशिप स्टाइल फोकस ऑन डेलीगेटिंग इनिशिएटिव टू टीम मेंबर। इसमें क्या होता है, मेंबर अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं फॉलोवर्स को, और फॉलोवर्स अपने हैंड पे काम करते हैं, खुद को अपने आप मोटिवेट करते हैं और प्लानिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि बेटर तरीके से जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकें। सो दिस कैन बी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इफ़ टीम मेंबर्स आर कॉम्पिटेंट। अगर टीम मेंबर कॉम्पिटेंट हैं, नॉलेजेबल हैं और सेल्फ मोटिवेटेड है तो ये लीडरशिप स्टाइल बेटर रहता है। अगर मेंबर्स कैपेबल नहीं है तो ये लीडरशिप स्टाइल बेटर रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाता, ठीक है। सो हाउएवर डिसएग्रीमेंट्स अमंग द मेंबर्स में स्प्लिट एंड डिवाइड अ ग्रुप, लीडिंग टू पुअर मोटिवेशन एंड लो मोरल। नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूज ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोवर्स, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड अदर एक्सचेंज टू गेट द जॉब डन, ठीक है। द लीडर सेट क्लियर गोल्स। लीडर क्या करता है, गोल सेट कर देता है। टीम मेंबर्स नो हाउ दे विल रिवॉर्डेड और देयर कंप्लायंस, ठीक है। और टीम मेंबर को भी पता है कि भी उन्हें कैसे जॉब परफॉर्म करनी है, उनको किस तरीके से रिवॉर्ड मिलेंगे और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करेंगे, ठीक है। सो दिस गिव एंड टेक लीडरशिप स्टाइल इज मोर कंसर्न विद द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड रूटीन एंड प्रोसीजर इन एफिशियंट मैनर देन विद मेकिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रांजैक्शनल था और ये ट्रांसफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने यहाँ जो लिखा है वो दोनों सेम टर्म लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शनल है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल है।
तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, इट इज़ स्टाइल द लीडर इंस्पायर, वो अपने फॉलोवर को इंस्पायर कर रहा है विद विजन एंड देन एनकरेज, वो उनको एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, एम्पावर्ड देम टू अचीव इट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लीडर्स अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि जो भी टास्क उनको दिया गया है उस टास्क को फॉलोवर्स विलिंगनेस के साथ परफॉर्म करें, अपने पॉजिटिव एफर्ट्स वहाँ पे यूज़ करें और टाइम पे उन टास्क को अचीव कर लें, ठीक है। सो द लीडर ऑल्सो सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर द विजन, यहाँ पे लीडर एक तरीके से रोल मॉडल की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, एक अच्छा, अगर मैं किसी एक गुड लीडर की बात कर रहा हूँ तो उसको कौन कौन सी ट्रेट्स सजेस्ट करनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। सो यहाँ पे क्वालिटीज लिखी हुई हैं, इंस्पिरेशनल, एक लीडर हमेशा इंस्पिरेशनल होना चाहिए, वो अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करता हुआ चले, ठीक है, हमेशा। एक्सपेक्ट द बेस्ट, हमेशा बेस्ट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसकी, अब वो खुद भी जो काम कर रहा है उसमें भी बेस्ट दे रहा है और वो यही एक्सपेक्ट करता है अपने फॉलोवर्स के, कि अगर उसके फॉलोवर्स कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। फोकस ऑन टीम, ही इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन टीम, टीम किस तरीके से काम कर रही है, अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है प्रोवाइड द मोटिवेशन, प्रोवाइड द रिसोर्सेज, क्लियर डाउट्स, क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है गुड लीडर की वो है क्लियर गोल्स, एक जो लीडर है उसको गोल्स क्लियर होने चाहिए, एज वेल एज दे हैव टू कम्युनिकेट गोल्स टू देयर फॉलोवर्स ऑल्सो, फॉलोवर्स के साथ मिलके प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए और लीडर फॉलोवर्स दोनों को ही गोल्स क्लियर होने चाहिए कि भाई हमारा अल्टीमेट गोल क्या है और हमें उन गोल को किन ऑब्जेक्टिव पे काम करके अचीव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए फॉलोवर्स और लीडर्स के बीच में। नेक्स्ट जो क्वालिटी है क्रिएटिविटी, एक लीडर क्रिएटिव होना चाहिए, बेटर तरीके से कैसे हम इनोवेटिवली डिफरेंट तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करें ताकि वर्किंग एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव कर दें, ठीक है। विजन एंड डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग पावर प्रॉपर होनी चाहिए, लीडर मस्ट बी टेक अ प्रॉपर डिसीजन एंड मेक अ वेरी फ्रूटफुल स्ट्रेटजी फॉर देयर फॉलोवर्स। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए उसके अंदर। रिकग्निशन, अगर फॉलोवर्स कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं देयर मस्ट बी एप्रिशिएशन इन द फ्रंट ऑफ ऑल द फॉलोवर्स, आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उनको मोटिवेट करें। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ और गुड क्वालिटी ऑफ लीडर। लीडर का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और इफेक्टिव होना चाहिए, एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन सो ईजली यू कैन इंस्ट्रक्ट गाइड एंड सपोर्ट टू योर फॉलोअर्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा उतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटी हैं जो एक लीडर को पजेस करनी चाहिए, एक्वायर करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी।